हेलो एवरीवन, वी वर रीडिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो वी कवर्ड सम टॉपिक्स इन लास्ट सम लेक्चर्स. नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज, दिस टॉपिक इज आरबीएसई, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स ग्राफ. So what you have to read is, this is a topic of RBAC. The topic is linear inequalities in two variables graph. We have to read the graph of linear equations in two, linear inequalities of two variables. Linear inequalities का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं, उसका अपन को graph पढ़ना है. सबसे पहले word inequality का मतलब क्या है वो read करते हैं. Linear अपन already पढ़ चुके हैं. Linear means having degree वन, जिसकी भी degree वन होगी उसको अपन linear बोलते हैं. मेन जो वर्ड दिख रहा है दैट इज इनइक्वलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वलिटी पहले वो पढ़ लेते हैं. इनइक्वलिटी की अगर डेफिनेशन की बात करूं, सबसे पहले देख लेते हैं कि इनइक्वलिटी की डेफिनेशन क्या है. इनइक्वलिटी की डेफिनेशन होती है मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट in which variable and sign greater than equal to less than equal to are present. So inequality का मतलब होता है एक mathematical statement जिसमें variable और sign क्या कौन कौन सा साइन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू अगर प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलते हैं इनइक्वलिटी. अब इनइक्वलिटी का मतलब क्या है कि एक कोई भी जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए लेस देन. अब जैसे कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं, किसी भी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करवाना है तो तीन ही कंडीशंस हो सकती हैं. या तो वो दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगी, या एक क्वांटिटी ज़्यादा होगी और एक क्वांटिटी या तो कम होगी. जैसे कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करवाना है तो कंपेरिजन कैसे हो सकता है, या तो वो दोनों क्वांटिटी क्या होंगी, दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगी, या एक ग्रेटर होगी दूसरी लेस होगी, या फर्स्ट वाली लेस होगी और सेकेंड वाली ग्रेटर होगी. ये तीन कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन नहीं होती. जब भी इक्वल का साइन होता है, इक्वल साइन रिप्रेजेंट इक्वलिटी. तो ये किसमें यूज होता है, इक्वेशंस में. तो जहां पर इक्वल है तो अपन क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन. बट जहां पे लेस देन और ग्रेटर देन या ग्रेटर देन या लेस देन है उसको अपन बोलते हैं इनइक्वालिटीज. इक्वलिटी है तो मतलब अपने पास कौन सा हो गया, इक्वेशन, और ग्रेटर देन और लेस देन है तो अपने पास इनइक्वालिटी, और इसी को बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज. लीनियर इक्वलिटीज में या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा. दो इनइक्वलिटी और होती हैं, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू. इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू. और अगर ये है लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू. व्हाट डज दीज टू साइन रिप्रेजेंट, कि अगर आपके पास ये वाला साइन है तो जो दो क्वांटिटी को अपन कंपेयर करवा रहे हैं या तो वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, और सेकंड केस में या तो वो लेस होगी या फिर इक्वल होगी. तो उसके लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, ये वाला. अभी अपन ने पढ़ा था ये वाला साइन किसके लिए है, ग्रेटर देन के लिए. दिस इज ग्रेटर देन. और ये साइन किसके लिए यूज होता है, लेस देन के लिए. तो इनइक्वलिटी में कौन कौन से साइंस यूज होते हैं, एक तो ग्रेटर देन, लेस देन, और थर्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू. तो कोई भी अगर मैथमेटिकल टर्म आपकी इस साइन से अगर सेपरेटेड है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वलिटी. जिसमें लीनियर का मतलब क्या है अपने पास, जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए, वन. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे अगर मैंने लिख रखा है 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो यहाँ पर जो है वेरिएबल्स की पावर जो है दोनों में वन है, दैट मीन्स ये लीनियर तो हो गया. और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इनइक्वलिटी. और इन केस यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ होता 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये अपन ने ग्रेटर देन ले लिया और वो इक्वल ले लिया. सिर्फ ग्रेटर देन लिखा हुआ है दैट मीन्स ये इनइक्वलिटी है.
और ये क्या है अपने पास, इक्वेशन। जहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है वहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वेशन। तो इस तरीके से अपन इनइक्वलिटी देख सकते हैं कि होता क्या क्या है। अब इनइक्वलिटी से ग्राफ बनाने से पहले दो तीन टर्मिनोलॉजीज अपन को पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि 5 जो 2 से बड़ा है, अगर 5 से 2 से बड़ा है, अगर मैं दोनों साइड कुछ ऐड कर दूँ तो क्या इफेक्ट होगा क्या साइन पे? दोनों साइड अगर कोई सेम क्वांटिटी ऐड कर दिया, अगर 5 + 1 ले लिया तो वो 2 + 1 से बड़ा होगा। 6 is greater than 3, कंडीशन फॉलो हो रही है। मतलब अगर आप इनइक्वालिटी में दोनों साइड अगर कुछ ऐड कर रहे हो, सेम अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 5 - 1 is greater than 2 - 1, 4 is greater than 1, दोनों साइड अगर इनइक्वालिटी में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स एडिंग और डिफरेंस ऑफ एनी इक्वल क्वांटिटी डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। दैट मीन्स अगर आप कोई भी चीज़ दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट रूल था। इसका सेकेंड रूल क्या है? ये तो अपन ने देखा कि अगर मैं कोई चीज़ ऐड कर रही हूँ या कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, सेम क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि 5 is greater than 2, अभी अपन ने लिया था, अगर दोनों साइड कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो क्या फर्क पड़ेगा क्या? जैसे अगर मैं बोल रही हूँ 5 * 4 will be greater than 2 * 4, देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 20, और ये हो जाएगा 8, तो स्टिल 20 is greater than 8। तो अगर मैं किसी क्वांटिटी दे दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड भी करूं, डिवीजन का भी एक केस ले लेते हैं। इफ़ आई एम राइटिंग 8 is greater than 2, दोनों साइड अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 8 by 2 greater than 2 by 2, विच इज़ 4 is greater than 1, यहाँ पे भी फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे भी फुलफिल हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं कोई चीज़ दोनों साइड मल्टीप्लाई भी करूँ तो भी इनइक्वलिटी पे कोई फर्क मतलब नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी इक्वल क्वांटिटी डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी, तो भी कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अब किस केस में साइन चेंज होता है? अभी अपन ने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया एनी पॉजिटिव क्वांटिटी, एनी अगर पॉजिटिव इक्वल क्वांटिटी बोले, बट इफ़ आई एम सेइंग 5 is greater than 2, 5 is greater than 2, अगर मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, -1 * 5 एंड -1 * 2, ये चेक कर लेते हैं कौन सा ग्रेटर होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू -5 एंड दिस इज इक्वल टू -2, तो -5 जो है वो -2 से छोटा है। पहले इनइक्वलिटी साइन ग्रेटर था, अब साइन कैसा हो गया, चेंज। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं अगर अपन दोनों साइड किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, अगर किसी नेगेटिव क्वांटिटी से, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो साइन क्या हो जाता है, इंटरचेंज। अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। इसके क्या रूल्स हो गए, तीन रूल्स हो गए इसके। फर्स्ट रूल अपन ने पढ़ा कि अगर एक्स ग्रेटर है वाई से, तो अगर दोनों साइड ए ऐड कर देती हूँ तो x + a जो होगा वो ग्रेटर होगा y + a से, एंड x - a भी होगा वो भी ग्रेटर होगा y - a से। दैट मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इनइक्वलिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। मल्टीप्लीकेशन और डिविजन का केस अपन ने पढ़ा। सिमिलरली अगर एक्स ग्रेटर है वाई से, एक्स बड़ा है वाई से, तो अगर मैं एक्स को ए से मल्टीप्लाई करूं तो ए एक्स भी ग्रेटर होगा ए वाई से, और x/a भी ग्रेटर होगा x/y से। इस केस में भी इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड केस अपन ने लिया कि अगर एक्स ग्रेटर है वाई से, दोनों साइड अगर मैं -a से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल राइट ax is less than -a।
ए वाई, अगर दोनों साइड माइनस ए से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन पहले ग्रेटर था तो क्या बन गया, लेस। ये तीन रूल्स अपन को याद करना है। इनइक्वलिटी खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अपन को सिर्फ इसके ग्राफ पढ़ने हैं। अभी अपन ये तीन रूल्स अपन पढ़ लेते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाए, ग्राफ कैसे बनाना है अपन वो चेक कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस के, लीनियर इक्वेशंस से ऑलरेडी अपन ग्राफ बना चुके हैं, अब उनको लीनियर इन इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। इसके कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं स्टेप्स बता देती हूँ क्या है। स्टेप्स बताने से बेटर अपन उसको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू। अगर एक्स जो है वो किससे लेस है और इक्वल है टू के। अभी अपन वन वेरिएबल का कर रहे हैं, देन अपन टू वेरिएबल पर आ जाएंगे। एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए, किसी भी इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाने के लिए अपन को पहले उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इक्वल के केस में कन्वर्ट करना। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एक्स इज इक्वल टू टू। लेट सपोज यहाँ पे इक्वल नहीं भी होता, अगर मुझे ग्राफ बनाना होता एक्स लेस देन टू का, तो भी पहले मैं उसको किस में कन्वर्ट करती, इक्वल के केस में, ताकि मुझे उसके सॉल्यूशंस मिल जाएं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो वैल्यूज जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर एक्स को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, टू। अपन को एक वैल्यू निकालनी है जहाँ पे वो ग्राफ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। तो एक्स इज इक्वल टू जो ग्राफ बनाते हैं टू का, वो हमेशा कैसा बनता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर मैं एक्स इज इक्वल टू टू का ग्राफ बनाऊंगी तो कैसा बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। एज वी नो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जीरो वन टू थ्री, वन टू, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्स इज इक्वल टू टू का ग्राफ बनाना है, मतलब ये यहाँ से एक्स इज इक्वल टू टू का ग्राफ अपन ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ से पास होता हुआ जाएगा टू से और किसके पैरल होगा, वाई एक्सिस के पैरल बनेगा। तो ये तो किसका ग्राफ बन गया, x इज इक्वल टू टू का, बट मुझे x इज इक्वल टू टू का ग्राफ नहीं बनाना था, मुझे किसका ग्राफ बनाना है, x लेस देन टू का। तो किसी का भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करना है अपन को, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उसका ग्राफ बना देना है। अब ग्राफ बन गया, अब एक पॉइंट दैट इज ओरिजिन। अच्छा ये भी बोल सकते हैं, अगर अगर ने कोई भी लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन इसको, इस ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एक पार्ट ये वाला हो गया, एक पार्ट ये वाला हो गया। जो ये ग्राफ बना हुआ था, ये लाइन जो है उसको दो पार्ट, आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करोगे ग्राफ में, या तो ये लाइन ऐसे जाएगी, या फिर लाइन ऐसे होगी, या फिर ये इसको कहीं ना कहीं कट कर रही होगी। तो ये वाली लाइन भी इसको इधर वाले पार्ट और इधर वाले पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये वाली लाइन भी इस ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ऊपर और नीचे में। ये लाइन भी ये इधर वाला पार्ट है और एक नीचे वाले पार्ट में, दो पार्ट में। तो एक लाइन जो होगी वो किसी भी ग्राफ को, कोई भी ग्राफ है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगी, दो पार्ट्स में। अब आपको एक पार्ट शेड करना होता है, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये आपकी लाइन बन गई किसकी, एक्स इज इक्वल टू टू की। अब एक्स इज इक्वल टू टू के एल एच एस की वैल्यू देखो, मतलब इस साइड लेफ्ट वाले साइड में एक ओरिजिन आ रहा है अपने पास। ओरिजिन या किसी भी एक वैल्यू पे अपन चेक करें, या तो लेफ्ट साइड वाले पे या राइट साइड वाले पे, वो अगर सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स देख लूँ, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। अगर ये इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर देता है, तो देखते कर रहा है कि नहीं पहले। तो जैसे मेरे पास एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू था, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, 0 इज लेस देन टू, ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन क्या है, ट्रू, सही है कि आपकी जो इनइक्वालिटी है सेटिस्फाई कर रहा है उस पॉइंट को। अगर इनइक्वालिटी उस सेटिस्फाई कर रहा है उस पॉइंट को, तो आप किस साइड शेड करोगे, ओरिजिन की साइड पे। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं, ओरिजिन के साइड पे शेड करने का मतलब कि ये वाला बनेगा ग्राफ पूरा, ये सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, इधर वाली, इधर जितने भी पॉइंट्स हैं ग्राफ पे, ये सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। अगर यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो अपन किस वाला साइड से शेड कर देते, इस साइड वाला। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं लिखवा देती हूँ आप लोगों को, कि पॉइंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से अपन को सॉल्व करना होता है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, पहला स्टेप्स, किसका स्टेप्स लिख रहे हैं अपन, कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। पहला स्टेप अपन लिखते हैं इसका, फर्स्ट स्टेप है, राइट गिवन इनइक्वालिटी, राइट गिवन इनइक्वालिटीज इन इक्वेशन फॉर्म।
अपन ने यही किया कि पहले जो गिवन इनइक्वलिटी थी उसको किस में लिख दिया, इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। पहला स्टेप यही करना है अपन को। सेकंड स्टेप, बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो इन द इक्वेशन वी गेट मीटिंग पॉइंट एट वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। वही कि अपन को ग्राफ बनाना पड़ेगा पहले लीनियर इक्वेशन का। कैसे बनाएंगे, एक बार एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो वाई का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। मतलब आपको एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो वो अपन को एक्स और वाई पे कहाँ मीट कर रहे हैं वो पता चल जाएगा। ये लाइन जो वो एक्स और वाई पे मीट करेगी या पैरेलल टू एक्स होगी या पैरेलल टू वाई एक्सेस, ये केस हो सकता है। तो यहाँ पर अगर अपन एक्स और वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो अपन को एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे उनका मीटिंग पॉइंट मिल जाएगा लाइन का। तो पहले आप एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो पुट करके किस क्या निकाल सकते हो, मीटिंग पॉइंट निकालेंगे। थर्ड पॉइंट होता है अपने पास कि उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन पॉइंट्स मतलब ये जो दो पॉइंट्स मिले थे मुझे, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। नाउ फोर्थ पॉइंट है अपने पास, इंपॉर्टेंट इज टेक अ पॉइंट 0,0, मतलब कोई भी एक पॉइंट लेना है अपन को। मतलब बेटर है कि अपन कौन सा पॉइंट ले लेंगे, देखो जो ग्राफ दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो अपन को पता चल जाएगा ओरिजिन की तरफ शेड करना है या इस तरफ शेड करना है। तो कैसा पॉइंट लेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लो इधर, तो 0,0 से अपन चेक कर सकते हैं कि वो ओरिजिन पे करेगा कि नहीं करेगा शेड। तो टेक अ पॉइंट 0,0, यू कैन टेक एनी पॉइंट ऑन LHS और RHS ऑफ द ग्राफ। टेक अ पॉइंट 0,0 एंड पुट इट्स कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी। नाउ अपन ने क्या किया, वही पॉइंट वाइज पे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। राइट द गिवन इनइक्वलिटी इन द इक्वेशन फॉर्म, ये गिवन इनइक्वलिटी को मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। फिर अपन ने उसका मीटिंग पॉइंट निकाल लिया एक्स एक्सेस, ये तो नॉर्मल इक्वेशन थी तो ये एक्स एक्सेस पे कहाँ मीट कर रही थी यहाँ पर। फिर अपन ने क्या किया, टेक अ पॉइंट ज्वाइन कर लिया पॉइंट्स को, टेक अ पॉइंट 0,0, कोई भी पॉइंट अपन लिया। देखो अभी ओरिजिन का पॉइंट लिया 0,0, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर गई थी, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था कि एक्स लेस देन टू हो रहा है सेटिस्फाई। अच्छा अगर ये सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी, अब आगे बढ़ते हैं। इफ इट सेटिस्फाई देन शेड द एरिया ऑन द साइड ऑफ ओरिजिन, ऑन द ओरिजिन साइड, अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो आपको किस साइड पे शेड करना है, ओरिजिन साइड पे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ओरिजिन के अपोजिट साइड पे आपको शेड करना है। ये कुछ स्टेप्स हैं इसको याद करने के। क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके अपन। सो क्वेश्चन नंबर वन इज सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट इज वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। किसका ग्राफ बनाना है, वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। अब कहाँ पर क्या लाइन डार्क करनी है, कहाँ डॉटेड लाइन बनानी है, इसके ग्राफ से सीखते हैं अपन। अच्छा सबसे पहले जो भी इक्वेशन गिवन है, पहला स्टेप क्या था अपने पास, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ये था। राइट द गिवन इक्वलिटी इन इक्वेशन फॉर्म, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, 5। अब वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं पहले। दिस इज 0, ये एक्स एक्सेस है अपने पास 1, 2, 3, यहाँ पर -1, -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर अपन को कहाँ तक लेना है 1, 2, 3, 4 और 5। y इज इक्वल टू 5 अपन ऑलरेडी सीख सकते हैं ग्राफ ऐसे बनता है, ये y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बन गया। अब चेक करना है कि इनइक्वलिटी इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। अच्छा अपने पास क्या था, y शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। मैं एक पॉइंट ले रही हूँ ओरिजिन,
ओरिजिन वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0, तो वाई की वैल्यू 0 हो गई। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अब ये 0 इज़ लेस देन 5 तो सही है, ये तो ट्रू है, बट 0 इज इक्वल टू 5 ये ट्रू नहीं है। मतलब इक्वल तो नहीं होगा बट लेस देन तो होगा। मैंने बताया था अगर आपकी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो कहाँ शेड करना है, नीचे वाला ओरिजिन वाला पार्ट शेड करना है, मतलब शेड तो ये वाला पार्ट होगा। नाउ ये इक्वल टू 5 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मतलब ये 5 वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आपको जो ये आपने लाइन बना रखी है इसको क्या कर देना है, इसको डॉटेड लाइन बना देंगे अपन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि जी 5 पे ही कंडीशन इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी, बाकी पॉइंट्स पे नीचे सेटिस्फाई कर रही है, तो नीचे वाला पार्ट शेड कर दिया। तो इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं अपन इसका। सेकेंड पार्ट इज, अभी तो अपन ने जो दो क्वेश्चंस किए, एग्जाम्पल वाला और एक ये वाला, दोनों क्वेश्चन में अपन ने वन वेरिएबल लिया, अब टू वेरिएबल वाले क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास 2x - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन है, इनइक्वलिटी दे रखी है। सबसे पहला स्टेप क्या है, इनइक्वलिटी को किस में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन में। इसको इक्वेशन के फॉर्म में मैं लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 2x - y इज इक्वल टू 1। पहला स्टेप था अपने पास कि उसको इनइक्वलिटी में कन्वर्ट करो। सेकेंड स्टेप था अपने पास कि अपन को दो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। कैसे निकालेंगे, मैंने लिखवा दिया था पॉइंट्स में कि एक्स की वैल्यू एक बार 0 पुट करनी है, एक बार वाई की वैल्यू 0 पुट करनी है। टेबल ड्रॉ कर देते हैं, जैसे अपन ग्राफ के टाइम टेबल ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ के टाइम अपन जब टेबल ड्रॉ करते हैं तो कुछ भी वैल्यूज ले लेते हैं। यहाँ पर ट्राई करो कि एक्स की वैल्यू एक बार 0 और वाई की वैल्यू एक बार 0 पुट करें, ताकि अपन को इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो आपको क्या करना है, तीन वैल्यूज नहीं निकालनी है, दो वैल्यूज निकालनी है, एक एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एक वाई इज इक्वल टू 0 पे। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूंगी तो वाई की वैल्यू -1 आएगी, और वाई की वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। आपको दो ही वैल्यूज निकालनी है इस केस में। देन उसके बाद क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इसका, इनइक्वलिटी का ओनली। ये 0, 1, 2, 3, 4, दिस इज -1, -2, -3, 1, 2, दिस इज -1, -2। ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों पॉइंट्स का सिर्फ। 0 पे क्या है अपने पास, -1, सो दिस विल बी द पॉइंट। और सेकेंड, एक्स की वैल्यू 1/2 पे वाई की वैल्यू कितनी है, 0, तो एक्स की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होगी, 1/2, दैट मीन्स 0.5 हो गया, ये यहाँ पर एक वैल्यू होगी। ये दो पॉइंट्स मैंने निकाल लिए इसके, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा लेते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी किसका ग्राफ बनेगा, मेरे पास 2x - y इज इक्वल टू 1 का, ये इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब आपको इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाने के लिए शेड करना है, कि इनइक्वलिटी में तो क्या है, बहुत सारी वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल होंगी। शेड कैसे करना है ग्राफ, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि पहले देखो ओरिजिन वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इस इनइक्वलिटी को। ओरिजिन वाला पॉइंट्स कौन सा होता है, 0, 0, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 -0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो 2 टाइम्स ऑफ 0 इज 0, 0 इज -0 इज 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये इनइक्वलिटी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि 0 ना तो ग्रेटर है 1 से और ना ही 0 इक्वल है 1 के। तो इनइक्वलिटी अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही, अगर सेटिस्फाई कर रही है तो ओरिजिन के साइड शेड करते, सेटिस्फाई करते तो मैं इधर वाला पार्ट शेड करती जो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ये ओरिजिन यहाँ पर है। बट अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, इसके ओरिजिन के अपोजिट साइड शेड करना है। ओरिजिन यहाँ था तो ओरिजिन के अपोजिट साइड ये वाला शेड करेंगे। सो ये हो जाएगा मेरे पास ग्राफ किसका, एक्स 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 0 भी नहीं है तो शेडेड लाइन बना सकते हैं आप उसको। थर्ड पार्ट इज, ये अपन ने एक इक्वेशन का ग्राफ बना लिया। नाउ थर्ड इज 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। ये भी ऑल सेम इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सेम प्रोसेस, कन्वर्ट दिस इनटू इक्वेशन
टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, चाहे यहाँ पर लेस देन होता तो भी अपन ओनली क्या लेते, इक्वल टू सिक्स ही लेते, इक्वल वाला केस नहीं ले रहे अपन, इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। उसके बाद क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ कर दो जिसमें एक बार एक्स की वैल्यू जीरो और एक बार वाई की वैल्यू जीरो पुट करनी है। अगर एक्स को जीरो पुट करेंगे तो टू इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, तो वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, टू, और वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी थ्री। तो यहाँ से अपन ने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली जीरो पे। अब क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। दिस इज जीरो वन टू थ्री, माइनस वन, दिस इज माइनस वन, दिस इज वन टू एंड थ्री। पहला पॉइंट है एक्स जीरो पे वाई की वैल्यू टू है, एक्स जीरो पे वाई की वैल्यू टू ये वाली होगी। और सेकेंड, एक्स थ्री पे वाई की वैल्यू जीरो है, तो एक्स थ्री पे वाई की वैल्यू जीरो ये होगी। इन दोनों पॉइंट्स को जब अपन ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, जो कि ग्राफ बनेगा इक्वेशन का। अब इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, पॉइंट सेटिस्फाई करना है। जीरो कॉमा जीरो सेटिस्फाई करवा देते हैं यहाँ पर। जीरो कॉमा जीरो की जगह अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दूँ तो टू टाइम्स ऑफ जीरो प्लस थ्री टाइम्स ऑफ जीरो शुड बी लेस देन इक्वल टू सिक्स। जीरो शुड बी लेस देन इक्वल टू सिक्स, नॉट ट्रू, सॉरी ट्रू, जीरो शुड बी लेस देन इक्वल टू सिक्स। ये इक्वेशन ट्रू है, पॉसिबल है ये केस, जीरो जो है वो सिक्स से क्या है, छोटा। अगर जीरो लेस देन सिक्स है तो आपको किस साइड पे शेड करना है इसको, ओरिजिन की साइड पे शेड करना है। ओरिजिन यहाँ पर है तो लाइन के नीचे जहाँ ओरिजिन आ रहा है पूरा पार्ट शेड कर देना है। ये सारी वैल्यूज इसको क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा इनइक्वालिटी का। तो पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाना है और फिर आपको इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है इस केस में। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज, दो इक्वेशन दे रखी हैं अपन को, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व, नेक्स्ट फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इसमें अभी तक अपन ने एक एक इक्वेशन सॉल्व करी, अब दो इक्वेशन है। अब दो इक्वेशन का ग्राफ ऑलरेडी अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। सेम वे अपन को पहले इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। ये इनइक्वालिटीज़ हैं, ये तो एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो का ग्राफ, तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, इसमें अपन को एक्स और वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, जीरो जीरो। अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू थ्री हो जाएगी, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा। फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री। और अगर वाई की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। थ्री एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर। ये अपन इसकी टेबल ड्रॉ कर दें, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं इसका। अब अपन दिस इज जीरो माइनस वन, माइनस वन नेगेटिव नंबर्स हैं यहाँ पर, वन टू थ्री फोर, हेयर इट इज वन टू थ्री एंड फोर। पहले एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जीरो पे कितना था, थ्री, एक्स जीरो पे वाई इज इक्वल टू थ्री वाला पॉइंट होगा, और सेकंड एक्स फोर पे वाई इज इक्वल टू जीरो पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन कराएंगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ये एक इक्वेशन का ग्राफ बन गया, कौन सी वाली, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व का ग्राफ बना दिया। ये इक्वेशन हो गया अपने पास किसका, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व का ग्राफ बन गया। सेकेंड इक्वेशन थी मेरे पास फोर एक्स प्लस थ्री वाई, फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व। इनइक्वलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, उस वाली को भी, दो इनइक्वलिटीज थी, दोनों को पहले किस में कन्वर्ट कर देंगे, इक्वेशंस में। इक्वेशन में पुट करके फिर जीरो और जीरो रखना है आपको एक बार। इस केस में भी सेम, अपन को एक बार एक्स को जीरो और एक बार वाई को जीरो पुट करना पड़ेगा। जब एक्स को जीरो पुट कर देंगे, फोर इंटू जीरो जीरो हो गया, थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, फोर। और वाई को जीरो पुट कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। फोर एक्स इक्वल टू ट्वेल्व, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री। अगेन आपको दो पॉइंट्स मिल गए। सॉरी, अपन ने किसको वैल्यू पुट किया है, पहले एक्स को जीरो पुट किया तो ये फोर आ गया, और इसको जीरो पुट करेंगे तो ये थ्री आ जाएगा। दो वैल्यूज मिल गई। पहला पॉइंट है जीरो कॉमा फोर, एक्स का जीरो वाई का फोर, ये एक्स का जीरो वाई का फोर ये वाला पॉइंट होगा। नेक्स्ट इज एक्स थ्री वाई जीरो, एक्स थ्री वाई जीरो ये वाला पॉइंट आएगा। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करवा दिया, ये सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ बन गया, दोनों इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब थर्ड इक्वेशन कौन सी है मेरे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी।
थर्ड इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करूंगी तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, और वाई इज इक्वल टू कितना है, फोर्थ वाली इक्वेशन. चार इनइक्वलिटीज दे रखी थी, चारों इनइक्वलिटीज को किस में चेंज कर दिया मैंने, इक्वेशंस में. यहाँ से एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, यहाँ से वाई की वैल्यू जीरो आ गई. एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ये वाला पॉइंट होगा, मतलब ये एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो भी ये वाला पॉइंट होगा, 0,0. अब इनइक्वलिटीज़ का ग्राफ देख लेते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. पहली इनइक्वलिटी थी अपने पास, थ्री एक्स प्लस फोर वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो. यहाँ पर देखना है कि वो 0.0,0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. कौन सा पॉइंट चेक कर रहे हैं अपन, 0,0 पॉइंट. आपको कौन सा पॉइंट चेक करना है, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0,0. 0,0 पे चेक करते हैं अपन ओरिजिन के अकॉर्डिंग. यहाँ पर जब जीरो पुट करेंगे तो थ्री टाइम्स ऑफ जीरो प्लस फोर टाइम्स ऑफ जीरो शुड बी लेस देन इक्वल टू 12. तो जीरो शुड बी लेस देन इक्वल टू 12. तो जीरो इज लेस देन 12 तो सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल टू 12 सेटिस्फाई नहीं कर रहा. अभी अपन देख लेंगे इसको. जीरो लेस देन 12 सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ था ये वाला, ये ग्राफ जो होगा वो किस साइड पे शेड होगा, नीचे वाली साइड पे. अपन इसको अभी एरो बनाकर चेक देख लेते हैं, क्योंकि अपन पूरा शेड कर देंगे तो दिखेगा नहीं कि कौन सा शेड कहाँ पर मिक्स हो रहा है. ये मैं एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इधर साइड पे शेड हुआ, नीचे वाली साइड पे. दिस एरो रिप्रेजेंट द इक्वेशन, ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन विल बी शेडेड इन द डाउनवर्ड पोजिशन अकॉर्डिंग टू द दिस पॉइंट. किसके रेस्पेक्ट में होगा, ओरिजिन की साइड पे शेड होगा ये वाला पॉइंट. सेकेंड इक्वेशन पे भी चेक कर लेते हैं. सेकेंड इनइक्वलिटी थी मेरे पास, फोर एक्स प्लस थ्री वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो. यहाँ पर भी 0,0 पुट कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो लेस देन इक्वल टू 12. तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू 12. जीरो लेस देन 12 तो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन थी मेरी, इसका ग्राफ भी कहाँ शेड होगा, डाउनवर्ड साइड पे. मतलब ये ग्राफ भी इधर नीचे साइड पे शेड करना है अपन को. बट मुझे क्या निकालना है, चार इक्वेशन का कॉमन पॉइंट निकालना है, कॉमन शेडेड पोर्शन निकालना है जो चारों को सेटिस्फाई करेगा. अब एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो. ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव में लाया करनी चाहिए, नेगेटिव साइड नहीं जा सकता. वाई ग्रेटर देन जीरो मतलब इधर वाला पेज शॉर्ट. तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये चारों में कॉमन पोर्शन है, ये जो है ये चारों का कॉमन है, ये चारों में सेटिस्फाई करेगा. जब आप पूरा शेड करके देखोगे, अगर इस तरीके से अगर आपको एरो मार्क नहीं करना है तो आप पूरा शेड करो, तो जहाँ पर मैक्सिमम शेडेड पोर्शन दिखेगा वही आंसर होगा अपने पास. अभी मुझे दिख गया कि इधर पॉजिटिव साइड पर शेड करना था, तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट शेडेड नहीं होगा, क्योंकि मुझे चारों के इक्वेशन का ग्राफ बनाना था. तो जो कॉमन शेडेड पोर्शन है वही लेंगे अपन, दोनों इक्वेशन का अलग अलग शेडेड पोर्शन नहीं लेना है. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन. तो ये यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे इस एरिया के अंदर, शेडेड एरिया के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो दोनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब चारों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए ये आंसर होगा इसका अपने पास. नेक्स्ट फिफ्थ इज, अभी अपन ने पढ़ लिया कि इक्वेशन सिंगल हो, वन वेरिएबल में हो, सिंगल वेरिएबल टू वेरिएबल में हो तो भी कर लिया, या दो इक्वेशन तीन इक्वेशन चार इक्वेशन हो तो भी शेड कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर अगर ये कंडीशन नहीं होती तो भी अपन सॉल्व कर सकते थे. अगर ये कंडीशन नहीं होती तो ये नीचे वाला सारा पार्ट जो है यहाँ यहाँ से लेकर इन दोनों का कॉमन पार्ट जो है नीचे वाला, वो पूरा शेड हो जाता. बट ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो था तो इसलिए अपन ऐसे पॉजिटिव वाली वैल्यूज ली, वरना ये पूरा नीचे का पार्ट अपन को शेड करना पड़ता जो कॉमन है इस केस में. तो मैंने दो इक्वेशन को देख लिया, अगर तीन इक्वेशंस हो चार इक्वेशंस हो इस तरीके से अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. अब एक लास्ट पार्ट बचता है अपने पास कि अगर इक्वेशन जो है वो मॉड के फॉर्म में, दैट मीन्स अगर मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री है. अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर मॉड दे रखा है अपन, मॉड वाला थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं क्या होता है शॉर्ट में. अगर मेरे पास मॉड ऑफ एक्स होता है तो वेरिएबल की यहाँ पर दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ये पॉजिटिव एक्स होगा या फिर ये नेगेटिव एक्स होगा. लिखते हमेशा क्या है अपन, पॉजिटिव एक्स ही लेते हैं उसको, कि अगर वैल्यू होती है तो. अगर वेरिएबल है, अगर यहाँ पर मॉड ऑफ फाइव होता है तो अपन बोलते हैं कि फाइव आ जाएगा. माइनस फाइव होता है तो भी अपन बोलते हैं फाइव आ जाएगा. बट ये माइनस फाइव भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है. तो एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, या तो फाइव होगी या फिर माइनस फाइव होगी, दो वैल्यूज पॉसिबल हैं. तो जब भी वेरिएबल है तो आपको पता नहीं है कि अंदर वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स कब आता है, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है.
माइनस एक्स कब आता है, जब एक्स लेस देन जीरो होता है। ये अपन मॉडल फंक्शन जो पढ़ते हैं मॉड वाला, उसमें अपन ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। तो जब भी आपके पास मॉड में वैल्यू दे रखी होती है तो उसको दो वैल्यूज़ लेते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे अगर मेरे को मॉड एक्स दे रखा होता तो मुझे किसका ग्राफ बनाना पड़ता, एक्स का भी और माइनस एक्स का भी। सिमिलरली यहाँ पर जब मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स दे रखा है तो इसको मैं क्या क्या लूँगी, एक बार तो मैं लूँगी वाई माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, या फिर जरूरत थोड़ा कि हमेशा पॉजिटिव है, अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर इसको एक बार नेगेटिव लेंगे, दैट इज माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। अभी मैंने बताया था अगर मॉड ऑफ एक्स है तो एक बार इसको एक्स और एक बार इसको माइनस एक्स लेते हैं, दोनों लेते हैं। तो यहाँ पर मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स, एक बार इसको पूरा पॉजिटिव लेंगे, एक बार इस पूरे को नेगेटिव लेंगे, तो माइनस लगा दिया अपन ने। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए पहले इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना पड़ेगा अपन को। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से मुझे इस इक्वेशन को अगर वाई माइनस एक्स है तो माइनस हटाना है। माइनस हटाने के लिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को एक रूल पढ़ाया था थर्ड वाला, कि अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो माइनस एक्स जो होगा वो लेस देन माइनस वाई होगा। अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तभी ये नेगेटिव हटेगा, और अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, ये लेस देन इक्वल टू था तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों साइड किस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वलिटी का साइन अपोजिट हो जाता था, लेस है तो ग्रेटर और ग्रेटर होता तो क्या हो जाता, लेस। ये अपन ने पहले चेंज कर दिया इनइक्वलिटीज को, मतलब अपन ने दो इक्वेशन फ्रेम कर दी, दो इनइक्वलिटीज। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, और यहाँ से जो बनेगी वो बनेगी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब दोनों की इक्वेशन सेम ही बन रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसको भी तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस 3 आएगा, प्लस 3 नहीं आएगा। आप जब भी दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तभी चेंज होगा, मतलब दोनों साइड माइनस वन से यहाँ पर मल्टीप्लाई, माइनस वन से यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये तो -3 बन जाएगा। तो यहाँ का ग्राफ बनेगा जो बनेगा वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 का। ये अपन ने इनइक्वलिटीज़ को किस में चेंज कर दिया, पहले इक्वेशन में। पहला पॉइंट ये होता है, अपन ने स्टेप्स पढ़े थे, पहला स्टेप्स कि इनइक्वलिटी को किस में चेंज करना है, इक्वेशन में। सेकेंड, आपको एक्स और वाई की दो वैल्यूज पुट करनी है, दैट इज 0,0, मतलब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी, और वाई की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी -3। पॉइंट्स अपन प्लॉट कर ही सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू -3 आएगी, और वाई की वैल्यू 0 पे एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये दो पॉइंट्स मैंने निकाल लिए इसके। तो दो स्टेप्स अपन ने फॉलो करवा दिए। पहला स्टेप क्या था मेरे पास, कि इनइक्वलिटी को किस में कन्वर्ट कर दिया, पहला स्टेप इक्वेशन में। सेकंड स्टेप, एक्स और वाई की वैल्यू 0,0 पुट करेंगे। और थर्ड स्टेप क्या होता है, अपन को पहले ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। सो दिस इज 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, हेयर इट इज़ -1, -2, -3, एंड हेयर इट इज़ 1, 2 एंड 3। पहले एक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, 0 पे 3 था, एक्स 0 पे वाई की वैल्यू 3, और वाई 0 पे एक्स की वैल्यू -3, ये वाला पॉइंट आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा लो। व्हेन यू जॉइन दीज टू पॉइंट्स आपको इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा, कौन सी, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 का। तो ये ग्राफ किसका मिला मुझे, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 का। सेकेंड इक्वेशन थी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, 0 पे कितना है -3, एक्स 0 पे वाई -3, और वाई 0 पे एक्स इज इक्वल टू 3। इसका ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। ये ग्राफ किसका बन गया मेरे पास, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 का। ये दो ग्राफ बन गए। अब आपको आपका दो स्टेप्स, तीन स्टेप्स हो गए अपने। पहला स्टेप क्या था अपने पास, इक्वेशन। सेकेंड 0,0 पे सेटिस्फाई करा दिया। थर्ड अपन ने ज्वाइन भी करा दिया। फोर्थ फाइनल स्टेप क्या था, कि 0,0 उन इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पहली इनइक्वलिटी कौन सी थी, वाई माइनस एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, और सेकेंड इनइक्वलिटी थी वाई माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3।
अब इसको सेटिस्फाई करेगा कौन सा पॉइंट, 0,0। चेक कर लेते हैं, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, सो 0 शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। तो 0 किससे छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, करेक्ट है, ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब 0 इक्वल वाला केस अभी अपन छोड़ देते हैं, इक्वल के लिए अपन ऑलरेडी ग्राफ बना चुके हैं। अब इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, 0,0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, तो 0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। 0 जो होगा माइनस 3 को सेटिस्फाई, मतलब बड़ा होना चाहिए, ये भी ट्रू है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दोनों ट्रू है तो किस साइड पे शेड होगा, ओरिजिन के साइड पे शेड करना है। ओरिजिन कहाँ है पे, यहाँ पर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इस साइड शेड होगा और इसका ग्राफ भी, ये ओरिजिन इसका इस साइड पे है तो इसका ग्राफ भी ओरिजिन पे साइड शेड होगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये वाला जो होगा इनका, वो कॉमन पोर्शन हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या करेंगी, इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो अगर मैं ग्राफ बना रही हूँ इसका मॉड वाले का, तो ये कैसा बनेगा, इस साइड पे पूरा शेडेड। तो ये जो बीच के जितने भी पॉइंट्स आएंगे इनके बीच में, ये सारे पॉइंट इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो मॉड वाले इक्वेशन में क्या करना है अपन को, पहले गिवन एक ही इक्वेशन है उससे दो इक्वेशन फ्रेम करने, क्यों, क्योंकि एक बार पॉजिटिव आएगा एक बार नेगेटिव आएगा। इक्वेशन फ्रेम कर देंगे दो, और दोनों इक्वेशन को भी अपन ने प्लॉट करना सीख लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़।